हेलो फ्रेंड्स, यदि आप प्रेग्नेंट हैं, आपके दिमाग में भी मेरे जैसा सवाल आ रहा है कि मैं दिन भर में कितनी चाय कॉफी पी सकती हूँ, क्या चाय कॉफी मेरे बच्चे को नुकसान करेगी, क्या चाय कॉफी से मेरा ऊर्जा स्तर बढ़ेगा घटेगा या मेरे को नींद कम आएगी, बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो हमें बार बार दिमाग को परेशान करते रहते हैं। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपको चाय और कॉफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 10 बातें बताने जा रही हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ लगातार इस वीडियो में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, चाय और कॉफी दोनों में कैफीन होता है, तो या तो आप चाय पी लीजिए या कॉफी पी लीजिए, और दोनों की काउंटिंग बराबर करनी चाहिए। और कॉफी में कैफीन की मात्रा चाय से ज्यादा होती है, तो यदि आप एक कप कॉफी पीते हैं तो 2 कप चाय के बराबर हो जाती है, तो इसलिए इनकी गिनती इसी के हिसाब से करनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यदि आपको चाय और कॉफी लगातार या बार बार पीने की आदत है तो उसे आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान यदि आप बार बार चाय कॉफी पीते हैं तो आपको एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस की शिकायत हो सकती है, जो कि प्रेगनेंसी में नेचुरली भी होती है और चाय कॉफी के पीने से ये बढ़ जाती है। तो आप चाय कॉफी को जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना करना चाहिए। थर्ड इम्पॉर्टेंट बात, यदि आपको चाय कॉफी पीनी ही है तो खाली पेट बिल्कुल ना पीजिए। जब भी आप चाय या कॉफी पीते हैं तो उसके साथ बिस्किट, टोस्ट, मछली या जो भी कुछ आप खा सकते हैं जरूर खाइए, जिससे कि एसिडिटी की मात्रा थोड़ी कम हो जाएगी। चाय और कॉफी पीने के बाद जो इम्पोर्टेंट चौथी बात आती है कि आपको पीने के तुरंत बाद लेटना नहीं होता, यानी आप थोड़ी अपराइट पोजीशन पे रहेंगे, इसी तरीके से बैठेंगे तो गैस्ट्राइटिस आपको कम होगा। पांचवी इम्पॉर्टेंट बात, यदि आप चाय कॉफी बार बार पीती रहती है तो आपको इससे ऊर्जा स्तर काफी बढ़ जाते हैं, नींद कम आने की शिकायत हो सकती है, आपको टेंशन स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी क्रिएट हो सकती है, और ये बच्चे को भी उतना ही स्टिमुलेट कर देती है। इसलिए लिमिटेड 2 से 3 कप आप चाय या कॉफी पी सकती हैं। और चाय और कॉफी से रिलेटेड छठी इंपॉर्टेंट बात, यदि बहुत ज्यादा चाय और कॉफी पीती हैं तो बच्चे में अबॉर्शन हो सकता है, गर्भपात हो सकता है, यानी कि प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है, और बच्चे का वजन काफी कम हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे आप चाय या कॉफी का ज्यादा सेवन करती है आपकी भूख खत्म हो जाती है और आपका खाना पीना काफी कम हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते हैं। सातवीं इंपॉर्टेंट बात, कई लोगों को हर्बल टी पीने की आदत होती है, लोगों को लगता है कि हर्बल टी पीने से आपको नुकसान नहीं होगा, बट हम ये नहीं जानते कि हर्बल टी में क्या क्या एक्चुअल इंग्रेडिएंट है, और हो सकता है कि उनमें से कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट हों जो बच्चे को नुकसान करते हों, क्योंकि जो सिंपल चाय होती है उसमें एटलीस्ट टैनिक एसिड होता है, कैफीन होता है, वो पता होता है कि चाय है, वो ऐसा कोई उसमें इंग्रेडिएंट नहीं है जिससे कि आपका अबॉर्शन हो, लेकिन हर्बल टी की कोई गारंटी नहीं है, उसमें पता नहीं होता, तो उसे आपको अवॉइड करना ही बेहतर है। प्रेगनेंसी के टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि कोई भी ऐसी चीज ट्राई ना करें जिसके इंग्रेडिएंट क्लासिफाइड या अप्रूव्ड ना हो, FDA अप्रूवल या DGC अप्रूवल होना चाहिए, जिससे कि हमें अपने बच्चे पर किसी भी केमिकल का इफेक्ट पता रहे और हम लिमिटेड मात्रा में उसका इस्तेमाल कर पाए। आठवीं इंपॉर्टेंट बात, यदि चाय और कॉफी पीने के कारण आपको नींद नहीं आ रही है तो आप योगा और मेडिटेशन का सहारा ले सकती हैं और चाय और कॉफी की मात्रा या कंजप्शन बिल्कुल कम कर दीजिए, और सोने से 2 घंटे पहले तक आपको चाय या कॉफी का इस्तेमाल बिल्कुल बंद करना होगा। 9वीं इम्पॉर्टेंट बात, चाय और कॉफी को पीने से आपको यूरिन की मात्रा काफी ज्यादा आती है, यानी कि ये डाययूरेटिक सब्सटेंस होता है, डाययूरेटिक वो सब्सटेंस होता है जिससे को पीने के बाद आपको बार बार यूरिन जाना पड़ता है, ऐसी स्थिति में आपके शरीर में पानी की कमी हो सकती है। तो यदि चाय और कॉफी पीते हैं तो उसके साथ साथ आपको पानी भी बराबर पीना पड़ेगा, दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीने से आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। 10वीं और आखिरी बात, यदि आप चाय और कॉफी का इस्तेमाल कर रही हैं तो ये दोनों ही चीजें कैल्शियम और आयरन के अब्सॉर्प्शन में बाधा डालती हैं, यानी कि बीच में टांग अड़ाती है, ये भी कह सकते हैं, यानी कि आप उधर चाय कॉफी ले रहे हैं तो आपके शरीर में खून की कमी हो सकती है और आपकी हड्डियाँ कमजोर होती है। प्रेगनेंसी के टाइम पे केवल आयरन और कैल्शियम ही एक ऐसी चीज है जिसका सप्लीमेंट दिया जाता है, इसे आप समझ सकती है कि आयरन और कैल्शियम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यदि आप आयरन की गोली ले रहे हैं और उसके साथ के साथ चाय पी रहे हैं तो यानी कि आपके आयरन की गोली लेना बेकार हो गया। ऐसे ही आपने यदि चाय पी और कैल्शियम की गोली ली तो उसका भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और वो भी बेकार चली जाएगी। इसलिए सुबह उठकर एक बार चाय पी लीजिए, शाम को एक बार चाय पी लीजिए या कॉफी पी लीजिए, और दिन में आपको चाय कॉफी नहीं लेनी है। और जब भी आप गोली खाती हैं आयरन की तो खाने खाने के या कुछ भी खाने पीने के 1 घंटे बाद या 1 घंटे पहले लीजिए। इसी तरीके से कैल्शियम की गोली को खाना खाने के आगे पीछे ही लेनी चाहिए। किसी भी गोली को खाना खाने के साथ लेने से उसके एब्जॉर्प्शन पे फर्क पड़ता है, और जब उसके एब्जॉर्प्शन पे फर्क पड़ेगा तो उसका असर काफी कम आएगा, और जिस पर्पस के लिए हम केमिकल या गोली ले रहे हैं वो हमें उतना फायदा नहीं देगा। मैं समझती हूँ कि ये 10 बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सही साबित होंगी,
और आपको अगर ये इम्पोर्टेंट लगता है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स से जरूर शेयर कीजिएगा। और यदि प्रेगनेंसी में आपको और किसी चीज़ का वीडियो हमारी तरफ से चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बता दीजिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।